नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस दिग्गज नेता ने कांग्रेस से की बगावत, निर्दलीय कर दिया नामांकन, पार्टी ने किया पदमुक्त। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव न लड़कर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद गंगा पार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरेश को पद मुक्त कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पद से हटा दिया है। नामांकन वापस ना लेने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वही सुरेश का कहना है कि जनता चाहती है कि वह चुनाव लड़े जिसके लिए नामांकन किया है, अब किसी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लेंगे। सुरेश के तेवर से पार्टी में असमंजस्य की स्थिति है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अभी तक उनके साथ टहलते थे, कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को सहयोग करेंगे। उक्त बातें शुक्रवार को NSUI के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टियों को ना लड़ाकर सपा को लड़ाने का निर्णय बड़ा दिल दिखाने का काम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे, अजय राय समेत सभी शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय के लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। राघवेंद्र ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके सर्वमान्य नेता हैं। उधर योगी सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह दंगे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है। NSUI के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र ने कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव के निवास पर फूलपुर उपचुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है। निशांत त्रिपाठी ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।